रांची विश्वविद्यालय के कई विभाग हाईटेक किए जा रहे हैं। ऐसे विभागों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग भी एक है, जिसे धीरे धीरे स्मार्ट क्लास के रूप में बदला जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। पहले इस विभाग को नया भवन मिला है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्मार्ट क्लास चलाने के लिए एक स्मार्ट बोर्ड भी दिया गया है। अब यहाँ पढ़ने वाले छात्र स्मार्ट बोर्ड की मदद से पढ़ाई करते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के हेड डॉक्टर हरि उरांव ने बताया कि अब विभाग स्मार्ट होता जा रहा है। 2 महीना पहले स्टार्ट हुआ है इस जो स्मार्ट क्लास के लिए जो डिजिटल बोर्ड लगाया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से, तो उसका 2 महीना हो गया और उसमें हम लोग जो आधुनिक तरीके से जो पूरे विश्व के स्तर पर जिस तरह से माध्यम से शिक्षा दी जा रही है आज के दिन में, उसी स्तर का शिक्षा यहाँ भी दिया जा रहा है स्मार्ट बोर्ड के साथ में। और ये इस विभाग में 9 भाषा की पढ़ाई होती है, तो हम लोग मांग किए हैं विश्वविद्यालय से कम 9 भाषा की पढ़ाई होती तो 9 बोर्ड इस तरह का हो। गौरतलब है कि शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव और नई व्यवस्था आने से शिक्षक और विद्यार्थियों को इसका काफी लाभ मिलेगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नागपुरी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने विश्वविद्यालय को धन्यवाद देते हुए कहा है कि स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाने से सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। हम लोग जो नए जो बढ़ते हुए संसार है, दुनिया है, उसके लिए अगर हम कदम ताल मिला के नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो जो स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लासेस जो हमारे चल रहे हैं बहुत ही लाभदायक है छात्रों के लिए भी और हम शिक्षकों के लिए भी। आप बड़ा अच्छा लगता है जबकि बिना कलम के ही हम बोर्ड में कुछ लिखते हैं और वो लड़के तक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों को हाईटेक भी होना जरूरी है। इसी क्रम में PG विभागों में अब स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई की जा रही है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।